नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश जोशी आम्रपाली इंस्टीट्यूट हल्द्वानी से आज फिर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो DBMS का एक और टॉपिक है, डेटाबेस यूज़र्स, और अगर बेहतर वे में कहें तो DBMS यूज़र्स होना चाहिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के यूज़र्स, क्योंकि जो DBMS के यूज़र्स हैं वो ऑलमोस्ट डेटाबेस के ही यूज़र्स हैं। अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि इस टॉपिक की नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो इसको पढ़ने के पीछे कंसर्न ये है कि हमें कम से कम ये पता हो कि हम डेटाबेस यूज़र हैं या नहीं सबसे पहले, और अगर हैं तो हम किस कैटेगरी के डेटाबेस यूज़र्स हैं, हम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो वही सारा डिस्कशन इस पूरे सेशन के लिए रखा गया है कि डेटाबेस यूज़र हैं या नहीं, और हैं तो हम किस कैटेगरी के हैं। इन जनरल आप जैसे ही इंटरनेट के ऊपर आते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में, तो आप डेटाबेस के यूज़र बन जाते हैं उसी समय से। तो अब क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि हम जैसे ही इंटरनेट के ऊपर आए हम कैसे डेटाबेस के यूज़र बने, हमने कहाँ डेटाबेस को यूज़ किया, नोइंगली और अननोइंगली हमने किस तरीके से डेटाबेस यूज़र को या किस तरीके से हम डेटाबेस के यूज़र बने। जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि आपने सपोज ईमेल आईडी अपना बनाया और अपनी ईमेल सर्विसेज को आपने यूज़ करना शुरू किया। तो भले ही आपने जीमेल, रेडिफ, याहू, व्हाटएवर, जिसको भी आपने यूज़ किया है, इसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं फॉर ईमेल आईडी पर्पस, बट याद रखिए कि जैसे ही आप इस रोल पे आए हैं आप डेटाबेस के यूज़र बन गए हैं। कैसे बन गए? इनबॉक्स के अंदर जो भी कुछ आपने देखा वो सब कुछ डेटाबेस में ही है, और आप डेटाबेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बट अब यहाँ पे कंसर्न आता है कि क्या मैं भी उसी तरीके का यूज़र हूँ जैसा जिसने वो इनबॉक्स बनाया। तो यहाँ पर हमको सेपरेशन करना होगा, क्योंकि मेरे में मैं एक अलग तरीके का यूज़र हूँ और जिसने उसको डिज़ाइन किया वो एक डिफरेंट तरीके का यूज़र है। तो दोनों में डिफरेंस है, उसी के लिए इस सेशन को रखा गया है कि डेटाबेस यूज़र और DBMS यूज़र। DBMS यूज़र मतलब कि जब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर आपके पास है, जैसे ओरेकल, MS Access, MySQL, ये सब DBMS हैं, इनको जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आप डेटाबेस यूज़र हैं, और जब आप ईमेल आईडी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं तो भी आप डेटाबेस के ही यूज़र कहलाएंगे। तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें कवर करी जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करें कि डेटाबेस यूज़र्स हमारे क्या क्या टॉपिक्स आज के कवर होंगे। डेटाबेस यूज़र को कई जगह हमने इसमें एक्टर करके भी नोट किया है, और यूज़र्स ऑन द सीन, दो तरीके के यूज़र्स हमारे पास आते हैं, एक जो डायरेक्टली डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे जो डेटाबेस को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो डायरेक्टली कर रहे हैं उसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिज़ाइनर, एंड यूज़र और सिस्टम एनालिस्ट आता है, जबकि यूज़र बिहाइंड द सीन DBMS डिज़ाइनर्स एंड इम्प्लीमेंटर्स, टूल डेवलपर, ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस पर्सनल, मतलब वो लोग जो डेटाबेस को बनाने के लिए या DBMS सॉफ्टवेयर में जो काम करने के लिए, मतलब जिसने DBMS को कंपोनेंट लेवल पर रेडी किया है, वो एक्टर्स बिहाइंड द सीन है। हम लोगों का जो फोकस एरिया है इस सेशन में वो एक्टर्स और यूजर्स ऑन द सीन है, जो सीन पे रोल प्ले कर रहे हैं। नाउ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, हु इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को अगर हम सिंपल से वे में बात करें या सीधे सीधे कहें, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन या सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हु इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेटाबेस। अगर मैं कहूँ कि एक डेटाबेस एक्स है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे एक तरीके से सबसे रोल प्ले करने वाला पर्सन कौन है, तो वो होगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब उसके जॉब्स क्या क्या होंगे? उसका सबसे पहला जॉब होगा जो ऑथराइजेशन कंट्रोल करेगा कि इस डेटाबेस को यूज़ कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसकी अथॉरिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा। कोऑर्डिनेशन करेगा सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स, इस डेटाबेस को चलाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ये भी डिसाइड करेगा कि इस डेटाबेस में जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, इस डेटाबेस के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, वो किस तरीके का कंटेंट है, वो ठीक है या नहीं है, ये सारी चीज़ों की इंश्योरिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। इसके बाद डेटा को प्रॉपर बैकअप करना और उसकी रिकवरी की जिम्मेदारी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होगी। तो एक तरीके से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज़ अ कंट्रोलर ऑफ द एंटायर डेटाबेस, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और प्रोमिनेंट पर्सन है इन आ डेटाबेस। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है डेटाबेस डिज़ाइनर की। नाउ हु इज़ द डेटाबेस डिज़ाइनर? तो डेटाबेस डिज़ाइनर में हम उन लोगों को जिक्र करते हैं या उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो डेटाबेस बनाते हैं।
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस बनाएगा नहीं, वो उसका कंट्रोलर होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो पेरेंटल जॉब करेगा। मगर डेटाबेस डिज़ाइनर जो डेटाबेस बनाएंगे, जो ईआर डायग्राम हमने बनाया, उस ईआर डायग्राम को जो इम्प्लीमेंट करेंगे मशीन में, एक तरीके से प्रोग्रामर टाइप से ही, मगर हम इसको एग्जैक्टली प्रोग्रामर नहीं कहेंगे क्योंकि प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको ज़्यादा डील करता है, मगर हाँ सम हाउ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैक्सिमम टाइम डेटाबेस डिज़ाइनर और प्रोग्रामर एक ही तरीके के लोग होते हैं। सीधे सीधे लैंग्वेज में बात करें तो दोनों एक ही तरीके के लोग होते हैं, क्योंकि डिज़ाइनर का जॉब ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग पार्ट ही है। तो डेटाबेस डिज़ाइनर का जो सबसे पहला कंसर्न है वो ये है कि वो ये आइडेंटिफाई करेगा कि क्या डेटा स्टोर करा जाना है, साथ ही साथ वो ये भी आइडेंटिफाई करेगा कि टेबल्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उन टेबल्स में कौन कौन सी डेटा टाइप लिए जाएंगे, उनकी क्या विड्थ रखी जाएगी, वो प्रॉपर हैं या नहीं है, ये सारे डिस्कशन डेटाबेस डिज़ाइनर के लेवल पे होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड यूज़र, सारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस डिज़ाइनर जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब कुछ डेटाबेस या एंड यूज़र के लिए कर रहे हैं। एंड यूज़र मतलब हमने भाई सारी चीज़ें डिज़ाइन करी, सब कुछ बनाया, तो फाइनली किसके लिए बनाया, ताकि एंड यूज़र उसका यूज़ करे, क्योंकि कोई यूज़ कर रहा है तो ही सबकी यूटिलिटी है, अगर वो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है तो इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो एंड यूज़र हमारे पास एक थोड़ा सा एनलार्जमेंट एरिया है, एंड यूज़र में वो भी आएगा जो ईमेल के थ्रू डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, एंड यूज़र में एक बैंक का क्लरिकल डिपार्टमेंट का पर्सन भी आएगा, क्लर्क मींस, जो भी वो भी डेटाबेस यूज़ कर रहा है, एयरलाइन रिजर्वेशन वाला भी डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना, और मेनी मोर। तो अब हमें यहाँ पर एंड यूज़र में कैटेगरी बनानी होगी कि हम किस कैटेगरी के यूज़र्स हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आप इसके बाद अपने को खुद एसेस करें कि आप किस तरीके के यूज़र की कैटेगरी में आते हैं। कैजुअल एंड यूज़र सबसे पहला टर्म, कैजुअल एंड यूज़र उसके नाम से ही लग रहा है कि जो ओकेजनली डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, मतलब ऐसे ही लोग जनरली कहें कि मैंने आज मेल बनाया और महीने में 15 दिन में या 2 महीने में 3 महीने में एक बार मैं उस मेल आईडी को चेक करता हूँ, तो मैं डेटाबेस तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर मैं किस कैटेगरी का यूज़र हूँ, मैं कैजुअल कैटेगरी का यूज़र हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलरिटी में उसका यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने बना दिया, रख दिया, और टाइमिंग में मुझे टाइम मिलता है तो मैं यूज़ करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। तो ऐसे यूज़र्स जो समहाउ मतलब इरेगुलर वे में डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं और कैजुअल हैं, तो उनको डेटाबेस की इंटरनल वर्किंग इवन मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि ईमेल आईडी बनाते वक्त कि वो डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए वो कैजुअल कहलाए गए, क्योंकि उनको उनकी इंटरनल एक्टिविटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दूसरी कैटेगरी नेव और पैरामेट्रिक एंड यूज़र, ये थोड़ा सा एडवांस स्टेज है कैजुअल के ऊपर। नेव और पैरामेट्रिक का अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो रेलवे रिजर्वेशन क्लर्क या जो बुकिंग क्लर्क्स होते हैं या बैंकिंग में जो क्लर्क्स हैं, होटल्स में जो यूज़ कर रहे हैं, ये सब नेव और पैरामेट्रिक कैटेगरी के यूज़र हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये भी कैजुअल कैटेगरी में आते हैं, मगर किस लेवल तक, कि इनको भी डेटाबेस की इंटरनल वर्किंग नहीं पता, इनको भी नहीं पता कि इंटरनल डेटाबेस क्या है, कौन सा डेटाबेस है। आप सपोज किसी बैंक क्लर्क के पास जाएं और आप उससे पूछें कि आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता होगा। आप रेलवे रिजर्वेशन के क्लर्क के पास जाएं, पूछें कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, उसे नहीं पता होगा। बट इसके बाद भी वो हर एक सेकंड में या हर एक मिनट में या हर एक घंटे में डेटाबेस का इस्तेमाल कर रहा है अननोइंगली, उसको पता नहीं है, मगर वो स्टिल ही इज़ यूजिंग इट। तो ऐसी कैटेगरी के यूज़र नेव और पैरामेट्रिक, जो डेटाबेस को फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर रहे हैं, हर समय एक्सेस कर रहे हैं, मगर उन्हें उसकी अवेयरनेस नहीं है कि वो कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसी कैटेगरी कहलाती है नेव और पैरामेट्रिक एंड यूजर्स की। इसके बाद दो और कैटेगरी है एंड यूज़र की, सोफिस्टिकेटेड और स्टैंड अलोन यूजर्स। सोफिस्टिकेटेड में टेक्नोक्रैट्स, इंजीनियर्स और सीधी सी लैंग्वेज में बात करूँगा मैं, जैसे हैकर कहता हूँ या साइंटिस्ट कहता हूँ, जो कि उस डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, बट उनको उस डेटाबेस की सारी वर्किंग पता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर के लेवल का अगर मैं बात करूँ तो टीचर एक सोफिस्टिकेटेड एंड यूज़र हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि उसको डेटाबेस की सारी वर्किंग पता है, मगर वो उस डेटाबेस का ओरिजिनेटर नहीं है। अगर कोई मुझसे बात करे तो मैं उसको एक प्रोसेस बताऊं कि इनबॉक्स बना हुआ है, ये ईमेल आईडी है, ये डेटाबेस है, इसमें ये टाइप्स यूज़ हो रहे हैं, तो आई बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सोफिस्टिकेटेड। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी वर्किंग पता है, बट मुझे जो नहीं पता, मैं उस डेटा का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इस डेटाबेस को कौन यूज़ करेगा कौन नहीं करेगा। तो सोफिस्टिकेटेड एडवांस स्टेज के लर्नर्स हैं जिनको की पूरी अवेयरनेस है, हाईली क्वालिफाइड, तो उनको हम सोफिस्टिकेटेड एंड यूज़र की कैटेगरी में लाते हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी हमारे पास स्टैंड अलोन यूज़र्स। स्टैंड अलोन यूज़र्स कौन से लोग होंगे? जो
रेडीमेड प्रोग्राम बने बनाए पैकेजेस हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी अननोइंगली कर रहे हैं। मगर जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स कैलकुलेटर देखिएगा, जितने भी इनकम टैक्स लॉयर्स हैं वो हर्षमित डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, मगर कैसे कर रहे हैं, प्री डिफाइंड पैकेज के अंदर। भाई उन्होंने सैलरी भरी, उन्होंने डिडक्शंस डाले, तो नीचे मशीन ने खुद ही ये कैलकुलेट करके दे दिया विद द हेल्प ऑफ अ डेटाबेस कि आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। उसने सारे रूल डेटाबेस में थे, डेटाबेस आपका जो आप कंटेंट डालते गए उस कंटेंट को उसने डेटाबेस से मैच करा और उसके बेसिस पे एक कंटेंट निकाल दिया। मगर वो किसके लिए था, वो सिर्फ उस लॉयर के लिए या उस इनकम टैक्स के वकील के लिए। तो ऐसे यूजर्स स्टैंड अलोन यूजर्स कहलाते हैं। इसके बाद फिर एक कैटेगरी है डेटाबेस यूजर की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिस्टम एनालिस्ट और एप्लीकेशन प्रोग्रामर। ये एक्चुअली में जो हम प्रोग्रामर्स की बात कर रहे हैं, हाई एंड प्रोग्रामर्स, वो लोगों का डिस्कशन है। इनका जॉब क्या है, यूजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करना। ये समहाउ कई बार मैच कर जाते हैं डेटाबेस डिजाइनर से, मगर हम इनको डेटाबेस डिजाइनर एक्चुअली में इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनका एक और पोर्शन है, वो है सिस्टम को एनालिसिस करना। ये वो लोग भी हैं जो पूरे एंटायर सिस्टम का एनालिसिस करते हैं, ये वो लोग हैं जो डेटाबेस के साथ साथ फ्रंट एंड का भी पूरा नॉलेज रखते हैं। इसलिए ऐसे यूजर्स को एक सेपरेट कैटेगरी में रखा गया है। इनका जॉब है कि ये रेगुलर या फ्रीक्वेंट वे में एंड यूजर की रिक्वायरमेंट्स को जानेंगे और उसके हिसाब से नए डेटाबेस में क्या अमेंडमेंट होना चाहिए, डेटाबेस नया बनना चाहिए या इसी डेटाबेस में कोई अपग्रेडेशन करा जाए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। वर्कर्स बिहाइंड द सीन, ये वो लोग हैं जो हमको डेटाबेस में नहीं दिखाई देते। फॉर एग्जाम्पल वर्कर बिहाइंड द सीन अगर मुझे जानना हो तो मैं उन लोगों का डिस्कशन कर सकता हूँ जिन लोगों ने ओरेकल का सॉफ्टवेयर बनाया, जिन लोगों ने MySQL का सॉफ्टवेयर बनाया, जिन लोगों ने एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट की पूरी कोडिंग करी कि जिससे वो सॉफ्टवेयर आपके पास आया और आप उसे यूज कर पा रहे हैं। तो ऐसे यूजर्स वर्कर बिहाइंड द सीन की कैटेगरी में आते हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद चाहूँगा। थैंक यू।